आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी नाश्ता रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम इसे कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर रख दिया है एक पैन, और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच आप ज़ीरा डाल दें। जैसे ही ज़ीरा तड़कने लगे, आप इसमें आधा चम्मच राई डाल दें। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। और इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 पिंच हींग, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेना है। सफ़ेद तिल डालने से नाश्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए ये मैंने डाले हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ डाल दिया है प्याज, और इसमें आधा चम्मच डाल दिया मैंने अदरक लहसुन पेस्ट। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया है, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील कर घिस कर इनके लच्छे बना लिए, और अच्छी तरह इन्हें धोकर निचोड़ कर इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर 1 गाजर को मैंने बारीक कट करके लिया है, ये इसमें डाल दी है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही आपको कुक कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दिया, और इस तरीके से हमने इसे कुक कर लिया है लगभग 1.5 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डालने वाले हैं मसाले। तो यहाँ पर इसमें जा रहा है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसमें मसाले आप अपने स्वाद अनुसार थोड़े कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, और लगभग 1/2 से 1 मिनट के लिए से अच्छे से कुक कर लिया है। अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो 1 कप इसमें मैंने पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसे गाजर और आलू हल्के सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर इसे कवर कर देते हैं, और अब यहाँ पर इसे कुक होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने इसे एक बार चला दिया था, और अब यहाँ पर एक बार इसे फिर से मिक्स कर देती हूँ। इसे इस तरह चला देती हूँ, और अब यहाँ मैंने लिया है ये 1/2 कप चावल का आटा। आप इसे मार्केट से ले सकते हैं, या फिर घर में चावल को पीस कर चावल का आटा तैयार किया जा सकता है। इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक, और बस इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है, और लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। इसे इस तरह मिक्स करते जाएंगे, ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, चावल के आटे ने कितनी जल्दी पानी को सोख लिया, और ये कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं, चावल के आटे का ये एक डो तैयार हो गया है। तो बस इस स्टेज पर अब आपको गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है, और इसे अलग बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया, और थोड़ी देर इसे ठंडा कर लिया है। अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है, और अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 चम्मच मैदा डाल दी है। देखिए, अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप आरारोट डाल सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। बस क्या होगा, इससे जो नाश्ता है अच्छा खस्ता कुरकुरा बनेगा, इसलिए मैंने मैदा डाला है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया, और एक डो की तरह लगा कर तैयार कर लिया। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा डो तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसे शेप देनी है। तो आप हाथों पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल, और इस डो में से थोड़ा सा डो लेना है, उसे इस तरीके से हाथों के बीच में रखकर लंबाई में बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरह आपको मीडियम थिकनेस के ये रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से सारे रोल आपको बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये नाश्ता दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सभी को पहले मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और अब मैंने फ्राई कर रही हूँ। तो इन्हें फ्राई करने के लिए आपको ऑयल जो है वो अच्छा गर्म चाहिए। तो ऑयल ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें रोल डाल दिए हैं, और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक तरफ से इन्हें सिकने दें। जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएंगे, तब आप इन रोल्स को ऐसे पलट देंगे। अब आप इन्हें अलट पलट कर बहुत ही अच्छा डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये रोल बच्चे हों या बड़े, सभी को बेहद पसंद आते हैं, क्योंकि चटपटे टेस्टी होते हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर भी उन्हें दे सकते हैं।
घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये नाश्ता आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं। रोल फ्राई हो गए हैं, कलर अच्छा आ गया है, मैंने इन्हें निकाल लिया है। सारे रोल आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने इस नाश्ता को गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया, आप चाहें जैसे इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरे खस्ता रोल बन के तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।